हेलो क्लास टेंथ, एसिड बेस साल्ट हम पढ़ रहे थे बेटा, यहाँ तक हो गया था। हार्डनेस ये सब क्वेश्चन मैंने दे रखा था, वो आप देखिए प्लीज़ कि हार्डनेस कहाँ से आती है, किसके कारण आती है हार्डनेस, परमानेंट या कोई भी हार्डनेस है, परमानेंट या टेम्प्रोरी हार्डनेस है वाटर की, वो किस वजह से आती है वो आपको देखना है। दो क्वेश्चन मैंने दिया था, वो गूगल करना सीधा सीधा आपको। अगर नहीं फिर भी नहीं आ रहा तो आई विल डिस्कस। ओके, नेक्स्ट शुरू करते हैं। चैप्टर का लास्ट पोर्शन आज खत्म करेंगे, इसको फिनिश करेंगे हम। मैंने कल डिस्कस किया था कुछ वाटर ऑफ हाइड्रेशन करके ना, जैसे सोडियम कार्बोनेट में डिस्कस किया था, Na2CO3 डॉट जो भी H2O शायद था, जो भी था H2O, क्या होता है रोल, क्या होता है, वेट होते हैं कि नहीं होते हैं, साल्ट होते हैं मतलब ड्राई होते हैं कि नहीं होते हैं। तो कल मैंने शायद बोल दिया था आप लोगों से कि हाँ ड्राइनेस होती है या जो भी बताया था कल, वो वाटर ऑफ हाइड्रेशन जो होता है उसके कारण जो है मतलब वेटनेस आती है उस होता है क्रिस्टल में या नहीं होती है, वेटनेस वो वेट होता है या नहीं होता है, जैसे पानी की वजह से वेट होता है कि नहीं होता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। उसी टॉपिक का नाम है आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट्स रियली ड्राई। यही क्वेश्चन है कि जैसे Na2CO3.10H2O लिखा हुआ है अगर, तो ये H2O है यानी कि ये ड्राई है या फिर इसकी वजह से वेट है, ये डिस्कस करना है हमें यहाँ से। एक हाइड्रोलिसिस होता है, एक और हाइड्रेशन होता है, वो कल मैंने डिस्कस किया था। ये हाइड्रेशन है, इसकी वजह से वेटनेस आएगी, कैसे आएगी, सी एक एक्सपेरिमेंट यहाँ कर रखा है इसने सॉरी, हीट ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है, ये बॉइलिंग ट्यूब में ड्राई कॉपर सल्फेट लेके उसको हीट करेंगे, ड्राई नहीं सॉरी क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट लेके उसको हीट करेंगे। व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग, हीटिंग के बाद क्या होता है, मैं बता रहा हूँ होता क्या। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब, वेयर हैव दी कम फ्रॉम। देखिए जब कॉपर सल्फेट को आप इसमें रख के हीट करेंगे तो कॉपर सल्फेट में भी वाटर ऑफ हाइड्रेशन होता है, वो निकल के इस बॉइलिंग ट्यूब के वॉल्स पे चिपक जाता है पानी, वाटर, ठीक है ना, और ये ड्राई हो जाता है। और एक चीज़ है, और वो वाटर ऑफ हाइड्रेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू गिव द कलर ऑफ सॉल्ट, ठीक है। जैसे कॉपर सल्फेट हमने गर्म किया ना, पहले ऐसे ही वह कॉपर सल्फेट अगर हम लिए हैं किसी पॉट में तो वो ब्लू कलर का, या जिस भी कलर का है, चलिए जिस भी कलर का, ब्लू कलर का होता है सर, तो जिस भी कलर का है, जब इसको हम हीट करेंगे तो जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन निकल के इसके बॉइलिंग ट्यूब पर चिपक गया, तो जब वाटर मॉलिक्यूल पूरा निकल गया तो इसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है। इस केस में कॉपर सल्फेट क्या होता है, देखो वाइट हो जाता है जैसे ही वाटर ऑफ हाइड्रेशन निकल के चिप मतलब यहाँ स्टिक हुआ उस पर। उसके बाद अगर फिर से हम उसमें मॉइस्चर डालते हैं, फिर से वाटर डालते हैं, तो फिर वो अपना कलर रीगेन कर लेता है। देखो आगे पढ़ते हैं, एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेंड आफ्टर हीटिंग, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड। येस, वही जो मैंने बताया कि H2O जो होता है उसकी वजह से कलर आता है। आगे देख लो क्या है पैराग्राफ वाइज, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो मैंने डिस्कस किया था, और जब हम इसको हीट करेंगे दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड दैट साल्ट टर्न्स वाइट, H2O निकल जाता है और साल्ट वाइट हो जाता है, ठीक ना। इफ़ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल अगेन विथ वाटर यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपेयर्स, जो मैंने डिस्कस किया, मतलब ये जो H2O है जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन ऐड हो रहा है किसी भी मॉलिक्यूल में, वो उसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है सीधा सीधा, मतलब ये निकलेगा तो कलर हट जाएगा, फिर से अगर मॉइस्चर उसको मिलता है उस साल्ट को तो फिर से कलर आ जाएगा उसमें। फॉर एग्जाम्पल देखो CuSO4 के बाद पास 5H2 होता है, कल मैंने डिस्कस किया था Na2CO3 के पास 10H2 होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कितने H2O होते हैं, वाटर हाइड्रेशन हाइड्रेशन कितने होते हैं, कॉपर सल्फेट में कितने होते हैं, सोडियम कार्बोनेट, तो ये एक चीज़ होगा, ठीक है ना। ऑन द अदर साल्ट विच वर्सेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम, ये दोनों मैंने डिस्कस कर लिया, ये कल ही किया था सोडियम कार्बोनेट वाला, आज कॉपर सल्फेट वाला एक्सपेरिमेंट में हमने डिस्कस कर लिया। एक और है जिप्सम साल्ट होता है भाई, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम का साल्ट होता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जिप्सम किस मेटल का साल्ट है, तो याद ध्यान रखेंगे कैल्शियम का साल्ट है, कैल्शियम सल्फेट .10H2O, और ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन हमेशा याद होना चाहिए कि किस में कितना है, ठीक है ना। जिप्सम में भी क्या होता है, वाटर ऑफ हाइड्रेशन होता है और 2 होता है। अब इस जिप्सम से ही हम POP तैयार करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैसे, देखो ध्यान से। कुल मिला के हुआ क्या है आज कि वाटर ऑफ हाइड्रेशन हम लोगों ने डिस्कस किया, 3 कंपाउंड अब तक हम लोगों ने देख लिया है, कॉपर सल्फेट,
सोडियम कार्बोनेट और अब एक जिप्सम है, और जिप्सम में जो वाटर हाइड्रेशन है इसी वाटर हाइड्रेशन को डिक्रीज करके, दो एस टू ओ है तो डेढ़ निकाल के केवल आधा बच जाएगा, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेंगे। देखो होता क्या, देखो ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, इस जिप्सम को 373 पे हीट करेंगे, इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम्स अ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखो यहाँ एक वर्ड है हेमी, हेमी का मतलब होता है सेमी, आधा, हेमीहाइड्रेट मतलब हेमीहाइड्रेट और कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ जो CSO4 2S2 जिप्सम में था, यहाँ से एक 1/2 निकल, मतलब डेढ़ निकल गया, 1.5 निकल गया, हाफ बचा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजिशन, जो यूज़ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस इज वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन। वही होता है कि CaSO4 डॉट हाफ एस टू था, हुआ है मतलब ये POP, ठीक है ना। तो अब इस POP में फिर अगर हम वाटर डाल देंगे तो फिर अगर ये 2S2O हो गया तो फिर जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, वंस अगेन गिविंग हार्ड सॉलिड मास। बात वही है, देखो ये हुआ भी है भाई, देखो ये जिप्सम से हमने पहले प्राप्त किया था ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर वही 1.5 S2 अगर हम ऐड कर देंगे और फिर से हाइड्रेशन कर देंगे तो फिर से वही जिप्सम हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। ये चैप्टर खत्म हो रहा है, बस ये एक पैराग्राफ और बचा है उसको देख लेते हैं। नोट डेट ओनली हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल इज सोन टू बी अटैच एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाउ कैन यू गेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल, जैसे 1/2 H2O लिखा है ना उसमें POP में, तो ये कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या ये सही है या क्या इसमें इसका मतलब क्या हुआ, ये हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। इट इज रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज टू फार्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ऐसा नहीं है कि आधा आधा H2O बढ़ता है, मतलब पानी की आधी आधी मॉलिक्यूल का आधा आधा पार्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके हाफ H2O कहने का मतलब ये है कि अगर दो यूनिट हम लेंगे CaSO4 तो वो एक H2O यूज़ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, तो अगर दो यूज़ कर रहे हैं एक H2O तो एक यूज़ करेगा कितना, हाफ H2O। कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि डिवीज़न होता है, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज फॉर मेकिंग ट्वाइज मटेरियल्स डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, ये सारी चीज़ें यूज़ हैं, ये याद करना, ठीक है ना। अब ये ट्राई टू फाइंड आउट वाई कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको क्यों बोलते हैं, पेरिस ही क्यों वर्ड यूज, प्लास्टर ऑफ पढ़ रहा हूँ ना क्यों नहीं यूज़ हुआ है ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों बोलते हैं, ये आप सर्च करना गूगल पे, कुछ रीज़न है इसके पीछे, ठीक है ना। ठीक है, तो चैप्टर फिनिश, होमवर्क ये 5 क्वेश्चन आप करें, नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। चैप्टर फिनिश, नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करके और एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क डायरेक्टली। थैंक यू।